ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का 8वां स्थापना दिवस प्रेस क्लब में मनाया गया। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का 8वां स्थापना दिवस स्थानीय प्रेस क्लब में आयरा के जिला इकाई के बैनर तले शनिवार को आयोजित किया गया। आयरा के स्थापना दिवस के इस मौके पर जीप अध्यक्ष मंजू देवी के द्वारा केक काटा गया। इस मौके पर उन्होंने आयरा के जिला अध्यक्ष मुरारी कुमार सिंह सहित सभी पत्रकारों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी पत्रकारों को मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। उन्होंने सभी पत्रकारों को आयरा के द्वारा जारी किया गया प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने पत्रकारों से संगठन की मजबूती और विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने का आग्रह किया। वहीं विशिष्ट अतिथि सह आयरा के संरक्षक प्रदीप कुमार झा ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए सभी पत्रकारों को संगठन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। मौके पर वरीय संवाददाता डॉक्टर सरोज कुमार, मनीष वत्स, जावेद अख्तर, शुभकरण कुमार, सुकेश राणा, अमित कुमार, संजीव कुमार, सुनीत साना, गरिमा उर्विशा, दिलखुश कुमार, मिथिलेश कुमार, चंचल कुमार, मुकेश मणि, संतोष कुमार, प्रणव कुमार वर्मा, विकास कुमार, विजय कुमार, सद्दाम हुसैन, सबुल आलम, मन्नत समाचार बिहार संवाददाता मोहम्मद मोनजीर, मोहम्मद अमीर आजाद, बंटी कुमार सहित अन्य संवाददाता भी मौजूद रहे। अवरुद्ध होने लगा था, इसलिए कि इसी कोठरी में जो हमारे टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, जिस समय मैं वहाँ शिक्षक के रूप में काम करता था और कुलपति रहे, संस्थापक कुलपति रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, हर जगह मेरी उपस्थिति उनके साथ रहती रही। और बाद में हमारा संबंध भी हो गया और अभी दोनों आदमी को समझी और समझने होने के बाद मैं ही पिता और धर्म पिता दोनों दायित्व को कोठरी में नीतीश जी के साथ कई बार मुझे चाय पीने का अवसर मिला और अपनी बातों को उनके सामने रखने का भी लंबा अवसर मिलता है। मैंने उनसे कहा था, नीतीश जी से, कि सर भूपेन नारायण मंडल जो यहाँ के समाजवादी चिंतक थे, वो मुझे कहा करते थे कि किसी भी आदमी की प्रशंसा करनी चाहिए या नहीं। मैंने उनसे कहा कि करनी तो जरूर चाहिए, लेकिन कम से कम। इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया कि कम में इसलिए करनी चाहिए कि वो यह समझे कि लोग इस बात को जान रहे हैं। अधिक इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उस आदमी को रास्ता भटकने का कहीं मुझे अवसर न मिल जाए। तो नीतीश जी, आप जो कुछ भी किए हैं अब तक बिहार के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात यही किए हैं।